साला, एक दो तीन चार। तो अभी मैं ए वाला नट खोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो निकालने कुछ भी नहीं, बस ऐसे आप खींच लीजिए, बाहर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने इस बॉक्स को अनबॉक्स किया था, इससे बहुत सारा सामान निकाला था, और उसी में एक छोटा सा आइटम क्या निकला था, ये जो सीट में लगता है रिक्लाइनर नॉब, जैसे इसको अगर आप उठा के आगे पीछे करेंगे तो ये अपना आगे पीछे होता है। तो एक साइड का तो आ गया था, लेकिन एक साइड का मुझे आज डिलीवर हुआ है, तो इसको भी देख लेते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। साला, एक दो तीन चार। इतना भयानक पैकेजिंग मैंने पहली बार देखा है। अब इसको निकालते हैं, यही मैं सोच रहा था कि निकल क्यों नहीं रहा है, ऐसे तो लगेगा नहीं है, और ऐसे तो लगेगा नहीं, मीन्स जो कल मैंने अनबॉक्सिंग किया था वो लगेगा इस साइड, और ए है उस साइड का, उसको देखते हैं एक बार निकाल के। तो अब देख सकते हैं, ये कल इसकी मैंने अनबॉक्सिंग की थी, ये मुझे आज मिला। ऑर्डर तो मैंने साथ में किया था, लेकिन ये बाद में आया, ये पहले आ गया था, सब पूरा साथ उसके। अब एक कैसे लगेगा, ये इसका है, ऐसे कुछ लगेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर अपन रिक्लाइन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे ट्रिम लगा हुआ है प्लास्टिक का, इसको हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं है, एक पीछे स्क्रू होता है और एक स्क्रू इसके नीचे होता है सीट के। तो जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिख गया है और एक स्क्रू मात्र पीछे होता है, और पीछे का स्क्रू एक कुछ है यहाँ पे। तो इसको खोल देंगे तो ये ट्रिम बाहर आ जाएगा, इसके बाद फिर हम इजली काम कर सकते हैं। ऐसा की तरह मैं अपना ये टपारिया का टूल किट यूज करता हूँ, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत मजबूत है और बहुत कम प्राइस में है, आप ले सकते हैं, और डेली यूज का कोई भी काम इससे आप बहुत ही इजली कर सकते हैं। तो अभी मैं ए वाला नट खोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर लग रहा है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसे निकलेगा, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि काम हो जाता है इसके बाद दिखाते हैं, तो मैं लगातार दिखा रहा हूँ। तो ये खुल चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा स्क्रू होता है, ये निकला है, और पीछे से भी खोल लेता हूँ। बहुत से लोगों की गाड़ी में क्या होगा, यहाँ पे जो होल रहता है पैक रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक कवर आता है, लेकिन मेरी गाड़ी गिर गया है, तो आप उस कवर को निकालिए, इसके बाद फिर निकल जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए उस साइड से उसको निकालते हैं। उसको निकालने कुछ भी नहीं, बस ऐसे आप खींच लीजिए, बाहर आ जाएगा, और अंदर से आप कुछ ऐसा सीट दिखती है, सीट का हाल कुछ ऐसा रहता है। तो ये अपना लीवर मिल चुका है, अब इसमें कैसे लगाना है वो सब बहुत ही इजीली लग जाएगा, कोई तकलीफ होगी नहीं। सबसे पहले एक चीज ये नोटिस करना होगा आपको कि ये टूटा क्यों, तो ये टूटने का मेरे हिसाब से एक ही रीजन होगा, ये अच्छे से सेट ना हुआ हो, क्योंकि इसके अंदर जो ये खांचे दिख रहे हैं ना, ये प्रॉपर इसमें सेट होते हैं। मैं अभी इसको सेट करके जब देखा तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए, इसके अंदर जब ये चला जाएगा और यहाँ से स्क्रू इस पर प्रॉपर जब कस जाएगा, तो ये टूटने का कोई चांस ही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अगर ये अच्छे से फिटिंग नहीं हो पाई है, या तो फिर कहीं झटका लग रहा है, तभी ये टूटेगा। बाकी यहाँ पास का जो ए है एरिया, ये थोड़ा सा कवर करता है इसको। तो जब भी आपकी गाड़ी में अगर ये लगा है तो अच्छी बात है, मेरी गाड़ी में तो टूट गया था। अगर आप लगाना चाहते हैं तो ध्यान से लगाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अटक रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो फंसता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है, यहाँ पे इसका मैंने स्क्रू भी लगा दिया है, लेकिन इसके टूटने का जो चांस बनता है, मैं आपको बताऊँ, जैसे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप है, यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब एकदम परफेक्ट टाइट है नहीं होता, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग ही डिफेक्ट है, इस वजह से टूटता है, बाकी इतना जल्दी ये टूटना नहीं चाहिए। अभी मैंने इसको अच्छे से टाइट किया है, अब थोड़ा सा इसमें प्ले है, ज़्यादा अगर इस यहाँ से स्क्रू भी कसते हैं तो भी ये टूट जाएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा प्ले है, बाकी ज़्यादा इससे दिक्कत होगी नहीं। अब इस पैनल को वापस से फिर लगा देना है, जिस तरह खोले हैं उसी तरह लगा देना है। तो कैसे लगेगा ये भी उसी तरह। अभी मैंने बहुत कोशिश की इसको बाहर से लगाने की, लेकिन ये यहाँ पे लग नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही फिक्स कर दिया है, इसका स्क्रू सब टाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसको जब लगा रहा हूँ ना, तो ये नहीं लग रहा मेरे हिसाब से, पहले इसको लगाना पड़ेगा, बाद में लगेगा। तो अभी मैं इसको एक बार फिर खोलता हूँ और इसको लगाता हूँ, शायद तक ये नहीं खोलना पड़ता, लेकिन मैं ज़्यादा ही रिसर्च कर दिया, इस वजह से इसे खोलना पड़ा। तो इसको 2 मिनट लगेगा लगाने में, इसको मैं लगाता हूँ। मैंने इसको वापस से फिर लगा दिया है, और अब दोबारा मैं लगाऊंगा इस नॉब को, रिक्लाइनर नॉब जो जिसको बोलते हैं,
अरे बाहर से ही बैठेगा परफेक्ट तरीके से। तो क्या है कि मेरी वीडियो देख के आप लोग भी ये गलती नहीं करेंगे, इसको नहीं खोलना पड़ता है इसको लगाने के लिए। और जैसे कि बहुत से लोग, मैं ही अभी पहली बार किया तो मैं अभी इसको खोल दिया था, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था इस वजह से मैंने इसको खोला। तो अब मेरी वीडियो देख के मेरी गलती कोई दोहराएगा नहीं और एक बार में कर सकता है। तो इसको बाहर से ही लगाते हैं और अच्छे से फंसा के लगाऊंगा, देखता हूँ कैसे लगता है ये। मतलब ये अच्छे से परफेक्ट यहाँ पे फिट आ जाएगा, इसके बाद इसको लगा देंगे। यहाँ पे अब ये परफेक्ट ही आ गया है, बस यहाँ फंसाना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से लग गया है और मस्त लग भी रहा है। देखिए अच्छे से उठ भी रहा है यहाँ, अरे बढ़िया लग गया। अब देखिए देखने में अच्छा लगने लगता है। पहले क्या था, यहाँ पास वो लोहे का निकला था जिससे देखने में अच्छा नहीं लगता था, प्लस अगर सीट रिक्लाइन करना हो तो उसको पकड़ के करने में मज़ा नहीं आता था। अब देखते हैं कितना दिन चलता है। बाकी मैंने तो मंगाया टाटा का ओरिजिनल ही है, लिखा कहीं भी नहीं था टाटा पर शायद तक ओरिजिनल हो, और उस साइड का इसी तरह लगेगा सेम, बस स्क्रू घसना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग फोटो देख के बता देते हैं कि कौन सा पार्ट किस साइड का है, जैसे मैं कल दिखाया था कि ये मैं लेफ्ट साइड ले गया था वीडियो में दिखाते दिखाते कि लगता है राइट का नहीं है लेफ्ट का है, तो बहुत से भाई लोगों ने वीडियो में कमेंट किया कि भाई ये तो राइट का ही है, वास्तव में राइट में ही लगा, तो काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे ही बताते रहा करिए, कुछ मैं कुछ आप लोगों से सीखता हूँ, कुछ आप मेरे से सीखिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा काम चलता रहेगा। तो अभी आप लोगों ने पूरी प्रोसेस देख ली, दोनों साइड के मैंने रिक्लाइनर नॉब लगा दिया, अब काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। उस साइड का जो स्टॉक नट होता है जो कंपनी के साथ आता है वो गुम गया था, इस वजह से फिर मैं थोड़ा दूसरा वाला लगा दिया है। गाड़ी का ही है वो, लेकिन वो थोड़ा व्हाइट व्हाइट दिखता है तो आप लोगों को अजीब दिखा होगा, लेकिन ओरिजिनल ए वाला है कि बढ़िया दोनों साइड का हो गया है। तो ये छोटे छोटे वीडियो भी मैं बना देता हूँ छोटे छोटे आइटमों की, ताकि आप लोगों को जागरूकता रहे कि हाँ टूटते रहते हैं टाटा विस्टा के, तो अगर किसी को लेना होगा तो फिर बोडमो वोडमो से आप ले सकते हैं, जहाँ आपको मतलब मिल जाए, अगर सर्विस सेंटर में मिलता है तो वहाँ ले लीजिए, बाकी आफ्टर मार्केट मिलेगा नहीं। मैं बहुत ट्राई किया तब जाके मिला है। इस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। इंस्टाग्राम में अगर फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं।